कच्चे दूध तैयार करके रखी हूँ मैं, बस शाम को बनाना था। और रीता जी बर्तन की क्या खासियत है लोगों को बताते भी जाइए। सबसे बड़ी खासियत है इसमें कि जितनी सब आज न्यूट्रिशन है वो आम बर्तन में चला जाता है, हम लोग को मिलता नहीं है। इसमें सब्जी का बना होता रहता है, तरह तरह की जो भी बीमारियां हैं वो हम लोगों को नहीं होता है। अगर आयल खाएंगे तो हम लोग की तमाम तरह की बीमारी और परेशानी होती है, जो हम लोग इसमें खाएंगे अगर तो हम लोग को परेशानी नहीं होगी। टमाटर का पेस्ट डालना है, इस तरह के 2 छोटा टमाटर, इसका न्यूट्रिशन हम आप लोग को ये भरपूर मिल जाता है। जी दीदी, रीता जी ये एम्यूकिन आप कब से यूज कर रही हैं? हमको 1 साल हो गया। इसमें मैं बराबर खाना बनाती हूँ। लेकिन आपका बर्तन एकदम नया लग रहा है। थोड़ा सा भून लेंगे, इसके बाद हम मटर डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम 1 चम्मच, छोटा चम्मच से मसाला डालते हैं। निरुपमा दीदी इस बर्तन की खासियत है कि हम लोग को आजीवन हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे। और आम बर्तन में जैसे हम लोग का नीचे का वो गर्म हो जाता है, ये बराबर गर्म होता है और पकड़ता नहीं है सब्जी को। सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तेल बिल्कुल नहीं डाले है ना? नहीं इस बर्तन में हम लोग सब कुछ बना लेते हैं, छोला बना लेते हैं और सब्जियां जितनी है। रीता जी बर्तन के अंदर थोड़ा दिखाइए कि बिना तेल के ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा। हाँ दिख देख रहे दीदी, देख रहा है, दिख रहा है। चिपक नहीं रहा। हल्का भून गया है थोड़ा सा, इसमें हम 1 छोटा मीडियम साइज का आलू काटे हैं। गोभी है मीडियम से भी छोटा है, जैसे हम लोग 2 लोग हैं उस हिसाब से हम सब्जी अपना बना रहे हैं आज के लिए। निरुपमा जी
निरुपमा जी है जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 निरुपमा जी, बर्तन की क्या खासियत है ना, और क्यों और बर्तन से ये अलग है, जरा आप इसको बीच बीच में बताते जाइए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो जो है इस बर्तन का जो सिस्टम है ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील है, और जो मतलब तीन तरह के उसमें है जो अभी हम लोगों ने लिया था, कि इसमें 2 लीटर का जो हमारे साटे पैन है, 1.5 लीटर का है साटे पैन, और 4 लीटर का जिसमें रीता दीदी ये खाना पका रही है ना, तो इस तरह से जो है ये हमारा है। और इसके अलावा जो हमारा सिस्टम ये वीटा लॉक सिस्टम है ना, तो वीटा लॉक सिस्टम में क्या है कि जब हम इसमें खाना पकाते हैं तो इसका जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो जो भी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, इसके वो पूरी तरह से इसमें लॉक रहते हैं, और किसी भी तरह से जो है बाहर जैसे कुकर वगैरह में खाना हम पकाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि वो सारी चीजें हमारी बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इसमें हमारा न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है, और जो सब्जियों का कलर है या मसाले का कलर है वो नेचुरल एज इट इज मेंटेन रहता है। और एक चीज जैसे हम लोग देखे होंगे कि अपने घरों में जिसने भी कुकर का इस्तेमाल किया होगा, तो जब हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम उसको मतलब सफाई करते हैं तो देखते होंगे कि कुकर जब हम खरीद के लेके आते हैं तो जो उसका बॉटम होता है वो एकदम प्लेन होता है, एकदम समतल होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे यूज करने लगते हैं तो बीच में वो जैसे लगता है कि गोला सा निकल आया, मतलब बेस उसका सही नहीं रह जाता है, वो निकल आता है, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका जो घिसा है खाना पकाने के दौरान, तो उसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे जो है खाने के साथ हमारे शरीर में जाते हैं, तो उसमें कार्सिनोजेनिक पदार्थ मिला होता है कि जो हमें हार्मफुल होता है, तो जिससे कहते ना कि जब पहले जो है जो लोग जेलों में रहते थे तो उनको इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था, और उसमें इस तरह से चीजें होती थी कि जो धीरे धीरे उनके हेल्थ पे नुकसान पहुंचाती थी, और उनको कैंसरस जैसी बीमारियां होती थी। तो कई बार हम लोग जो बर्तन यूज करते हैं, जैसे मार्केट में जो टेफ्लॉन कोटिंग का बर्तन आता है जिसको हम कहते हैं नॉनस्टिक बर्तन, तो उसमें भी क्या होता है कि उसकी भी जो कोटिंग होती है वो ऐसी होती है कि कुछ दिन में आप देखती होंगी कि मतलब सब लोगों ने देखा होगा कि जो इस तरह से नॉनस्टिक बर्तन लेके आते हैं तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन बनाते बनाते क्या होता है कि वो बीच बीच में से सफेद होने लगता है ना, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। और हमारा जो बर्तन है एमवे क्वीन का, हम लोग भी इसको कंटिन्यूज करते हैं, दाल हम लोग इसी में पकाते हैं, खाना चावल मतलब हमारा पूरा खाना मेरे घर में भी रोज पर डे इसी में पकता है, और अगर इसमें आप दाल पका के खाएंगे तो इसका जो टेस्ट मिलेगा वो कुकर की दाल में जो है कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं छोटे होते हैं तो हम लोग भी धीमी आंच पे दाल इसमें रख देते हैं, और बाकी जो है हम लोग अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो है एक तो देखिए ऑयल फ्री हम जो है भोजन बना ले रहे हैं, है ना, जो है हमारे पास जो इसमें न्यूट्रिशन हमारे खाने में मौजूद है, जो सब्जियों में है, जो दाल में है, या कोई भी चीज हम बना रहे हैं वो हमारा इसमें मेंटेन रहता है। दूसरा जो है आपटी टेम्प जो इसका जो सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो भाप होती है, जो वाष्प होती है, बाहर नहीं निकलती, और बहुत ही कम पानी में ना, बहुत ही कम पानी में हमारा खाना पक जाता है। कई बार हम लोगों ने आलू बॉयल करके इसमें देखा तो पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूज करेंगे इसको उतना जो है ज्यादा आपका एक्सपीरियंस इसमें होता जाएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देते थे तो पता चलता था कि बहुत मतलब पानी पानी जैसा हो गया। हम लोगों ने 2-4 चम्मच पानी डाल के और आलू उबाला इसमें, और इतना बढ़िया से आलू बॉयल होता है। आपको चोखा बनाना है, आप बैगन है, कुछ भी है, जो जिस चीज का भी आप चोखा बनाना चाहते हैं उसको इसमें रख के, और बैगन वगैरह को तो बिना पानी डाले ही आप ऐसे पका लीजिए इसमें, हल्का सा उस पे लगा दीजिए आयल की जिससे वो पानी ना पाए, तो बहुत ही बढ़िया से रोस्ट होता है। जो हमारा 2 लीटर का जो साटे पैन है उसमें चाहे रखिए, जो चाहे जो सबसे भारी वाला है 1.5 लीटर वाला, तो बहुत अच्छे से चीजें इसमें बनती है, और जो टेस्ट आपको मिलेगा
जैसे हम लोग भी अपना मटर का है, गाजर है, और जो मिक्स वेज बनाते हैं या ज्यादा मटर की गुजरी जैसे बोलते हैं इस सीजन में, तो जब हम लोग उसको बनाते हैं तो जो टेस्ट हमें यहाँ से मिलता है इसमें बनाने में क्वीन में, वो जब हम मार्केट से जो भी हमारे बर्तन लिए हैं, जो भी कढ़ाई वगैरह हम लोगों ने ली है, उसमें कभी नहीं मिलता है। तो हम लोग ये देख ही रहे हैं कि रीता जी का सब्जी इसमें पक रहा है, और सबसे बड़ी चीज कि हम लोगों ने इसमें एक चीज का ये भी अनुभव किया कि हमारा जो गैस है वो भी बहुत कम खर्चा हो गया है, क्योंकि हमारे जो भी चीजें हम पका रहे हैं इसमें बहुत ही स्लो एकदम हमें जो है गैस पे पकाना है। इंडक्शन पे भी अगर हम पका रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे हम स्लो करके रखें, क्योंकि हम लोग कई बार मिल्क वाले पे भी रखते हैं तो भी वो लगता है कि तेज हो गया। तो एक तो हमारा आयल की बचत हो रही है, दूसरा हमारा गैस की बचत हो रही है, और हर 5 साल पे जो हमारे बर्तन बदल जाते हैं ना, कुकर खराब हो जाता है, और इस एमवे क्वीन पे हमें 30 इयर्स की गारंटी है ना। तो हम लोगों ने भी एमवे क्वीन तभी खरीदा था जब ये लॉन्च हुआ था, जिस महीने में बनारस में आया था उसी महीने में हम लोगों ने एमवे क्वीन को परचेज किया था, और कुछ दिन हम लोगों ने नहीं बनाया स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि फिर थोड़े दिन बाद हम लोग अब सारा जो कुछ भी बनता है पूरे घर का वो खाना सब इसी में पकाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, और हम लोग तो सबको सजेस्ट करेंगे कि सबको यूज करना चाहिए। और जैसे बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं कि हार्ट के पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उनको मतलब ऑलिव ऑयल खाना चाहिए या कम ऑयल में खाना पकाना चाहिए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसा भी मतलब कई बार हमने टेस्ट करके देखा था, एक बार मेरी चाची थी तो उनको डॉक्टर ने मना किया था कि आपको तेल में बना हुआ सब्जी नहीं खाना है, तो वो क्या करती थी ना, बिना तेल की सब्जी बनाती थी। तो उसका टेस्ट हमने टेस्ट किया है कि बहुत ही मतलब खराब लगता था, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था। लेकिन जो हम लोग के एमवे क्वीन में चाहे हम लोग छोला बनाए, चाहे पनीर बनाए, चाहे कोई भी सब्जी बनाए, वो इतनी टेस्टी होती है कि अगर हम किसी को ये ना बताएं कि हम लोगों ने बिना तेल के बनाया है, तो कोई गेस नहीं कर सकता है कि बिना तेल का, क्योंकि उससे ज्यादा टेस्टी बनती है। और एक लास्ट ईयर की जो है जाड़े के मौसम का ही शायद दीपक सर को याद भी होगा, पूनम दीदी भी गई थी रीता दीदी के यहाँ, तो हम लोगों ने हलवा और उसमें छोले बनाए थे मटर के, और कितना स्वादिष्ट था, सब लोग काफी लोग थे, सबने खाया था। तो बहुत ही अच्छा जो है हर तरह से हमारी बचत है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे मतलब हर तरह से हमको सेफ रखता है एमवे क्वीन। हमारा जो सेविंग का अगर हम देखें तो 5 साल मतलब हमारा जो पूरा टोटल सेविंग होता है कि 30 साल में अगर हम ऑयल पे जो भी हमारी सेविंग होगी वो लगभग अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं तो 16,200 की सेविंग हमारी आयल की होती है। गैस हमारा जो बचता है वो लगभग 86,400 रुपीज का, और नया बर्तन जो हमारे 5 साल पे खरीदते हैं वो हमारी बचत होगी लगभग 20,000 की, 5,000 का अगर हम 4,000 का भी 5 साल में बर्तन खरीदे तो 4×20। तो टोटल हमारी जो सेविंग होती है अगर हम एमवे क्वीन यूज करते हैं 1,22,600 रुपए की, और उसके बाद हमारा हेल्थ जो तो सही सलामत रहता है कि हम एक मार्केट का तेल खा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कितना नुकसान पहुंचाता है। और मेरे घर में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ, हम अपने घर का बता रहे हैं, कि हम लोग मार्केट से तो तेल खरीदना एकदम बंद ही कर दिए, बिल्कुल नहीं खरीदते, और रिफाइंड तो एकदम नहीं लाते अपने घर में, और थोड़ा बहुत तेल यूज होता है जब कभी मान लीजिए कि हाँ बच्चों के लिए कुछ इस तरह से बनाना है या कभी फ्राई करना है, नहीं तो सारी सब्जी हम लोगों की एमवे क्वीन में बनती है, सारा सब कुछ हम लोगों का उसी में बनता है। और हमें जो प्रॉब्लम थी, मैंने बेसिकली अपने लिए शुरू में खरीदा था क्योंकि मुझे जो है मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो ये था कि मैं जब ऑयली चीजें खा लेती थी तो मुझे बहुत भारीपन लगता था, इसलिए मैंने एमवे क्वीन खरीदा था, और बहुत गैस की भी प्रॉब्लम होती। जब से हम लोग एमवे क्वीन में बना हुआ खाना खाने लगे तो दाल चावल हर चीज, तो एक तो गैस की भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है,
और जो खाना खाने के बाद मुझे हमेशा भारीपन महसूस होता था, तो चूंकि तेल नहीं यूज होता है और मसाले और जो भी चीजें हैं वो एकदम उनका प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहता है, तो इसलिए गैस की भी प्रॉब्लम जो है मुझे एकदम नहीं होती, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है और बाकी सबकी भी अपनी अपनी फीलिंग्स होगी, जो लोग भी एवे क्वीन यूज कर रहे होंगे। तो जैसा आपका था भी कि सब लोग जो भी लोग एवे क्वीन यूज कर रहे हैं वो अपना फीलिंग जरूर बताएंगे। तो रीता दीदी की सब्जी लगभग पक के तैयार हो गई है। हाँ रीता दीदी, क्या डाले, पानी डाली इसके पहले? क्या पानी डाला? थोड़ा सा पानी डाली थी इसके पहले। हाँ उसके पहले नमक डाला, 10 मिनट में। चलिए रीता दीदी की सब्जी जब तक बन रही है तब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमवे क्वीन को यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं एमवे क्वीन को यूज करके, तो हम धीरे धीरे एक एक लोग का नाम लेते जाएंगे और सब लोग अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि उनको एमवे क्वीन में खाना बनाने से क्या बेनिफिट्स मिला तो वो बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे कौशल्या जी को। कौशल्या जी, कौशल्या जी सुन रही? दिखाई दे रहा दीदी? बहुत बढ़िया कलर, यही तो देखने का लग रहा, मन तो कर रहा टेस्ट करे चम्मच से उठा के। थोड़ा अरे और थोड़ा सा धनिया का गार्निश कर दे रहा है इसके ऊपर। बहुत सा उसको, बढ़िया, थोड़ा सा कैमरे को और क्लोज करके दिखाइए लोगों को कि कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। पहले बहुत बढ़िया, देखिए कितनी शानदार वाह देखने में सब्जी लग रही है, लग रहा है इम्प्रेस। कि ये बिना ऑयल का बना हुआ, तो हम सब लोग रीता दीदी के अच्छा लिए जोड़ क्लैप जोड़ कर सकते जुड़ाई हैं। कर। थैंक यू दीदी, थैंक यू रीता जी, और बहुत बढ़िया। लवली डेमोन्स्ट्रेशन आप एमवे की, और इतना अच्छा, मन तो कर रहा आप इधर पहुंच जाए और सब्जी को टेस्ट भी करें। चलिए फिर कभी मौका मिलेगा फिजिकली आके जरूर टेस्ट करेंगे। हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया से प्रेजेंट करके इस चीज को बताया, तो थैंक यू रीता दीदी आपका। और धन्यवाद।